उनको ये भी डर लगता है कोर्स ही ना बंद हो जाए। 60,000 सीएस हैं पूरे वर्ल्ड में, 50,000 अकेले भारत में है। ये भी किसी ने पोस्ट डाला था, तो मैंने कहा क्या बता, क्या बताना क्या चाह रहे हो आप, बोलता नहीं, मैं सोच रहा था 60,000 पूरे वर्ल्ड में सीएस हैं, 50,000 अकेले भारत में, मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज इस कोर्स को ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना चलाते हैं, ना पढ़ाते हैं। अरे वो किसी को रख लेते हैं ना यार, रजिस्टर बनाना है ना, हाँ रजिस्टर बना, नोटिस तैयार करना है जीएम का, नोटिस तैयार कर। हमारे यहाँ रजिस्टर बनाने के लिए, जीएम का नोटिस तैयार करने के लिए एक अलग डिग्री बना दी गई, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा इनको 10 साल पहले एक अलग बुखार चढ़ गया, कहते हैं हमारा नाम चेंज करो, हमारा नाम करो चार्टर्ड सेक्रेटरी। डांट पड़ी इनको ढंग से, पता नहीं क्या ही डांट पड़ी, बोले भाई शांति रख, ठीक है कंपनी सेक्रेटरी वही रहेगा। शर्मनाक, निंदनीय और अशोभनीय। तो ये महाशय, आप ये वीडियो इसके बाद देखेंगे, तो ये महाशय जो है, आई डोंट नो कौन है ये महाशय, और इनकी जो पढ़ाने की मुद्रा देख के ऐसा लग रहा है किसी ने इनके पिछवाड़े पे फेविकॉल लगा दिया है और इनके हाथ किसी ने लॉक कर दिए। देखिए भाई, ये सबसे पहले तो खुद को टीचर मानते हैं, और आप इनका पढ़ाने का एक नज़रिया देखिए, आई एम श्योर, और ये लॉ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे वहाँ पे पूरे सो गए हैं। ऐसे लोगों को मैं कूतिया, भूतिया, बेवकूफ़, गधा, उल्लू कुछ भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल। क्यों? और आई डोंट नो ये बंदा सीए है भी या नहीं है। रीज़न ये है कि अगर ये बंदा खुद एक सीए होता तो दूसरे प्रोफेशन को इतना क्रिटिसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करता। रीज़न बीइंग कि देखिए ये कैसे शब्दों का प्रयोग करे, इसके नॉलेज देखिए, और सबसे बड़ी बात, दुख की बात ये है, जो बंदा लॉ पढ़ा रहा है उसको सीएस की वैल्यू नहीं पता। ये बोलता है कि सीएस का काम सिर्फ दो ही होता है, एक जनरल मीटिंग का नोटिस भेजना और एक रजिस्टर बनाना। तो मेरे ख्याल से ये बंदा अगर खुद को सीए बोलता होगा तो इसका भी काम सिर्फ एक ही होगा, एक इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना 200 रुपये में, और थोड़ा बहुत और कुछ कर लेना। तो भाई देख, तेरी समझ इतनी है, तेरी औकात शायद इतनी ही है, तेरे ज्ञान का जो कोष है वो शायद इतना ही है, और इसलिए तू दूसरे प्रोफेशंस को इतना क्रिटिसाइज कर रहा है। देख प्रोफेशन प्रोफेशन में फर्क कैसा होता है। मैं बीच में न्यूज आई थी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हटने वाला है स्मॉल कंपनीज के लिए, तो मैं कुछ फैकल्टीज में था जिसने ये कहा था कि चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमओ, हर एक प्रोफेशन को तरक्की करना चाहिए। तो भाई ये जो भी है, आई डोंट नो ये कौन है, इसको मैं जानता भी नहीं हूँ, इसका नाम क्या है, किसी बच्चे ने वीडियो भेजा, बट कहीं ना कहीं इस वीडियो ने, इस आदमी ने, मतलब ये आदमी इतनी गंदी सोच वाला आदमी है कि इसकी इसकी जो शब्द है, शब्दों से जो गंदगी निकली है, उस गंदगी से मेरे दिल को सच में ठेस पहुंची है, और इसलिए शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसी गंदगी को दूर रखें प्रोफेशनल कोर्सेज से, और ये गंदगी जो है मेरे ख्याल से कूड़ेदान में ही अच्छी लगती है, तो इसको कूड़ेदान में जाना चाहिए अपनी सोच लेकर, और इसको हम दूसरे प्रोफेशन में छींटाकशी करने के पहले इसको सोच लेना चाहिए कि खुद भी अगर ये क्लेम करता है, अगर ये सच में सीए है, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे प्रोफेशन के बारे में ऐसा ना बोले। हर एक प्रोफेशन की अपनी वैल्यू है, हर एक प्रोफेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, और खासकर ये आदमी लॉ कैसे पढ़ा सकता है, मुझे इस चीज़ के ऊपर डाउट होता है कि लॉ पढ़ाने वाला व्यक्ति उसको ये नहीं पता अभी तू कंपनी लॉ पढ़ा रहा है। भाई सेक्शन है उसमें 470 सेक्शन, दुनिया भर के रूल्स हैं, तेरे को क्या लगता है कि तू ये इंटरप्रेट करके डायरेक्टर को बताएगा बे? तो आई डोंट नो बच्चों, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं थोड़ा सा उत्तेजित हो गया हूँ, तो मुझे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र क्षमा चाहूंगा, बट जो निकला है वो दिल से निकला है। ये ऐसे लोगों को निषेध किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।